এসব করি নি তাহলে अच्छा इब्राहिम साहब, इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास वो आता है, वेटिंग पे आ रहा हो बंदा, उसको भी ऐड करते जाइएगा साथ साथ। मैं कर लेता हूँ। वीडियो में ऑफ कर देता हूँ, एक सेकंड में कर लेता हूँ सर, एक मिनट जरा। सर इससे आगे चलना है जी अच्छा, मैं ना आपको थोड़ा थोड़ा सा गो थ्रू दे देता हूँ इसके ऊपर। आपने ऑलरेडी देखा तो है, जो जिस तरह भी हो रहा था, डैशबोर्ड की शीट में आते हैं आप। यहाँ पर हमने दो टूल्स ड्रॉ कर लिए हैं, एक रीजन का है और एक ग्रिड का है। ये जो नीचे वाला टूल है ना, इसके ऊपर जो येलो कलर में वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर लिख लें ग्रिड। जी गुड। अब आ जाए इस वर्किंग शीट के अंदर। अच्छा, हमने W के जो हमारा कॉलम है, इसमें एक फॉर्मूला लिखा था सम प्रोडक्ट का, और वो लिखा इसलिए था कि हमने हर एक ग्रिड के यूनिक नंबर्स निकालने थे। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से लिखें सम प्रोडक्ट को, पहले वाला रिमूव कर दें। इसमें अभी इनकम्प्लीट था तो हमारा सेशन एंड हो गया, नए सिरे से लिख लेते हैं। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, और उसके बाद माइनस साइन डालें दो दफा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें। और इसके साथ ही जो V कॉलम V13 आ रहा है, V13 से ले जाएं। ये टू वाला सर, इज ग्रेटर देन 13, इज ग्रेटर देन, उसके बाद ये पूरी पूरी अरे सेलेक्ट करनी है आपने V13 से लेके एंड तक, और इसे लॉक भी कर देना है V13 से यहां से लेके ये वाली। जी जी इसे लॉक कर दें, इसको लॉक कर दें से ये वाला। ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके बाद कॉमा। ये तो होगी एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन लगा लें ग्रिड के ऊपर, U13 इज इक्वल टू ग्रिड है, 13 इक्वल टू पूरी अरे सेलेक्ट कर ले नीचे तक, और इसको भी लॉक कर दो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें टू टाइम, वो प्लस टू करना सर जी, और प्लस टू करना है क्योंकि हमें जो स्टार्ट है हमारा वो टू से होगा।
कहाँ पे इशू आया इसका? तो वो ये इक्वल टू और पूरी सर अरे सिलेक्टेड नहीं थी। ये हाँ, ये इज इक्वल टू ये और इसे लॉक भी करते हैं। इसे कॉपी करके लेफ्ट साइड पे जो सीरियल नंबर का कॉलम था वहां पे वैल्यूज में पेस्ट कर दिया। तो सब बेशक से दोनों कॉलम खत्म कर दें, वी और डब्ल्यू वाले। इसमें ग्रिड आईडी को सीरियल नंबर का कॉन्कैटिनेट करते हैं। ग्रिड आईडी ठीक है, इसको ट्रैक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था हमने? इसका भी सर ये इसका लेना है मैक्सिमम। जबरदस्त, इसका मैक्सिमम नंबर ले लें। आठ ठीक है, वन से लेके एट तक लिख लें इसमें। वन को हमने रिजर्व रखा था टोटल के लिए, तो वो एज इट इज रह जाएगा, बाकी के अगेंस्ट आप नहीं, यहाँ पे आप करेंगे कॉन्केटनेट। जो लास्ट टूल का रिजल्ट था वो आपको मिलेगा पी या एन समथिंग के अंदर। ये कन्वर्ट ऊपर है इसके साथ होगा सर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ये जी ओ वन में ग्रिड 101 लिखा हुआ है, इसको लॉक कर लें। एंड डब्ल्यू के अंदर जो सीरियल इसके साथ नहीं, डब्ल्यू में जो सीरियल नंबर है। ओ वन को लॉक कर लें ताकि ये जब नीचे ड्रैग करें तो ये बार बार ना आपको करना पड़े। अब इससे जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपने टोटल के सामने टोटल ही लिख दें, बाकी को भी लुकअप करना है। फ्रेंचाइज में सर जी लुकअप, तो हाँ जी बिल्कुल इसी। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि आर से स्टार्ट करें और वी लुकअप करना है एक्स कॉलम के अगेंस्ट। एक्स 11 लुकअप प्रेफरेंस होगा, 11 के अगेंस्ट, यहाँ से फिर फ्रेंचाइज आईडी डालना है सर। हाँ जी फ्रेंचाइज आईडी है।
फेरर कर लें ताकि वो एन ए हट जाए। अब जो लास्ट टूल हमारा बनेगा वो इसकी बेस के ऊपर बनेगा। और क्या लास्ट इसमें चले जाएं सर, ये डैशबोर्ड में जी। अब नीचे जिस तरह से आपने ग्रिड और फ्रेंचाइज सॉरी रीजन का एक बनाया था, इसी तरह से इसका बनाना। नहीं नहीं वाई कॉलम, सिर्फ वाई कॉलम। और इसका जो सेल रेफरेंस है वो भी चेक कर लें, मेरे ख्याल में वो भी चेंज करना पड़ेगा। सेल रेफरेंस मैंने दिया है सर। ठीक है, अच्छा इस सेल रेफरेंस के अगेंस्ट वी लुकअप कर लें। डब्ल्यू 10 से जो आपने टेबल बनाया ना उसमें से फ्रेंचाइज आईडी वी लुकअप करनी है। लुकअप वैल्यू नहीं ये सर, ये वो नहीं नहीं वो ऊपर होगा W1 यही है सर। नहीं नहीं W1 होगा जो हमारा टूल से ड्राइव हो रहा है ना वो होगा। इसको एक सेकंड दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लास्ट सिलेक्शन को गेज करने का फार्मूला। कौन लिखवाएगा ये फार्मूला? वो वाला फार्मूला। हाँ जी आदिल साहब, ये फार्मूला लिखवाएंगे आप? जी जी आदिल भाई। हाँ जी लिखवाएं जरा। If के साथ हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट। हाँ जी इज इक्वल टू इफ सबसे पहले वाला जो हमारी सिलेक्शन है। लेफ्ट साइड पे आ रही है। नहीं ये जे वन में है। सबसे पहले वाली हमारी ये नहीं है? नहीं वो मंथ है, वो एक अलग टू मंथ है। अच्छा J1 J1 is equal to 1 करें, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में N1 is equal to 1 कॉमा। अच्छा J, अगर J1 is equal to 1 है तो फिर उसकी जगह पे लिखेगा क्या? वो कंडीशन वो जो पहले वाली है। देखिए इफ J1 इज इक्वल टू 1 तो K1 में जो भी वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। हाँ जी कॉमा।
अब नेक्स्ट कंडीशन अभी एन वन है आई थिंक, मुझे नजर नहीं आ रहा N1, yes, is equal to 1. Okay, great. Yeah, O1, comma O1. Third condition में फिर if ये यहाँ पे ना आदिल हमें गलती कर रहे हैं, हम गलती ये कर रहे हैं कि अगर N1 में भी 1 आ रहा है तो उस केस में भी हमने K1 ही लिखना है. जी, yes, yes, yes. थर्ड कंडीशन पे जाके हम फिर इधर आते हैं ग्रिड पे. और एक थर्ड कंडीशन W1 is equal to 1. Then O1. उसके बाद again if नहीं, अब यहाँ पर ना if हम close कर, if खत्म हो गए, अब अगर इनमें से कोई भी condition true नहीं हो रही तो फिर X1 की value आ जाएगी. X1 यानी कि false के case में X1 आ जाएगी. Inverted comma. इन्वर्टेड कॉमास में X1 आएगा ना? नहीं नहीं ऐसे ही आएगा, ऐसे ही है. एंटर कर दो. ये फॉर्मूला कोई और लिखवाएगा? कौन वजीर कामरान नुमान काजी कोई बंदा ये फॉर्मूला दोबारा लिखवाएगा? आखिरी उत्तर आखिरी उत्तर आप म्यूट कर दें और इरफान नजीर अब आप लिखवा दें दो फार्मूला ताकि जिसको क्लियर नहीं है उसका क्लियर हो जाएगा थोड़ा. इरफान हिना या जी सर कामरान कोई एक बंदा लिखवा दें. जी सर मैं लिखवा देता हूँ. इब्रार साहब रिमूव कर दें इस फार्मूला को, दोबारा से लिखें. जी फर्स्ट ऑफ ऑल J1 इज इक्वल टू 1. इफ J1 इज इक्वल टू 1 कॉमा इसको लॉक कर दें. लॉक करने की जरूरत नहीं बिकॉज़ हमें ट्रैक करना नहीं है तो मर्जी है ना भी करें तो ठीक हो गया. तो K1 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है कॉमा देन if n1 equals to 1 then comma k1 again aa jayega hamare paas. Then again hamare paas if aayega aur thoda sa isko drag kare right side pe. If w1 equals to 1 देन हमारे पास O1 आ जाएगा. O1 और इसको अदरवाइज मेरे ख्याल में ये आएगा. अदरवाइज एक्स आ जाएगा हमारे पास लास्ट वाला. यही वाला? जी बिल्कुल. बस ब्रैकेट्स क्लोज कर दें इसको. ये तीन ब्रैकेट्स के साथ क्लोज होगा ना? तीन ब्रैकेट्स के साथ क्लोज होगा ये. ब्रैकेट्स का ही मसला था. अच्छा जी इब्रार साहब इस फार्मूला के ऊपर आए और इसको एडिट मोड में लेके आए. एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी है हमने. यही वाला सर? जी जी
ये जो भी फॉर्मूला आपने डबल ए में लिखा है ना, इस पे क्लिक करके F2 कर दें या डबल क्लिक कर दें इस पे? मिस हिना, इसी फॉर्मूला जी। अच्छा, अब आपने ना एक छोटी सी बात बतानी है। हमने जब फॉर्मूला स्टार्ट किया इफ J1 is equal to 1, तो रिजल्ट हमने K1 दिया है, और फिर इफ N1 is equal to 1, फिर भी K1 दिया है, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं जो K1 में वैल्यू है वही डिस्प्ले हो दोनों सूटों में, अगर हमारा मतलब सीरियल नंबर 1 आता है। देखें, अगर फॉर एग्जांपल J1 में 1 आया फिर तो ठीक है, K1 का रिजल्ट आना चाहिए। अगर N1 में आया फिर भी K1 का रिजल्ट हमने क्यों दिया? आप थोड़ा सा ड्रैग करने में वो इसीलिए किया ना क्योंकि हम लोग वही ग्रिड चाह रहे हैं ना, सेम ग्रिड, उसी ग्रिड का नंबर चाह रहे हैं। ये सर उसका है जब n1 में 1 हो, अगर n1 में टोटल आ रहा हो तो फिर वो जो लास्ट हमारी जो सिलेक्शन है वो वाली शो कर दे। Exactly, ये पॉइंट था आपका। उस सूरत में जो लास्ट सिलेक्शन है ना वो चेंज होगी। अगर n1 के अंदर 1 नहीं है, अगर n1 में है तो फिर जो k1 में वैल्यू आ रही है वही डिस्प्ले होगी दोबारा से। थैंक यू आदिल साहब। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। अच्छा इब्रार, अभी जो प्रेजेंटेशन लेयर हमने बनानी है ना, वो बनानी है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो हम तमाम केपीआईज को लेंगे, उन तमाम केपीआईज के टारगेट 3 मंथ के और अचीवमेंट, ये दोनों चीजें हमने दिखानी है और उनको फिर फर्दर हमने उनके ऊपर ग्राफ बिल्ड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने डेटा मॉडल की लेयर बनानी है। तो डेटा मॉडल के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वर्किंग फाइल के अंदर है WRC शीट में आ जाए, यहां से आपने फ्रेंचाइज और ग्रिड दोनों कॉपी कर लेने हैं। ये दो कॉलम आपके T और U के अंदर आ रहे हैं, ये दोनों कॉपी कर लें। T और U के अंदर ये वाले फ्रेंचाइज और ग्रिड, ये दोनों कॉपी करें एंड तक। सर इसमें टॉप पे ना एक रो छोड़ दें, एक इंसर्ट कर दें रो टॉप पे। अब आपकी जो मंथ की सिलेक्शन थी वो ए वन में आ जाएगी। ठीक है सर, इसको इज इक्वल टू इस पे रह जाए सर। हाँ जी, यहाँ पर वो, हाँ जी ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप टारगेट की शीट में चले जाएं या अचीवमेंट की शीट में चले जाएं और वहां से हेडर्स कॉपी कर लें, और ये आपने ई से लेके पी तक सारे कॉपी करने हैं। सी वन के अंदर लिख दें टारगेट, ताकि हमें ये जब भी कोई फाइल ओपन करे तो उसको आइडिया हो जाए कि ये टारगेट यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं। इब्रार साहब 10 मिनट के अंदर आपने ये बनाना है, उसके बाद आपका नया सेशन शुरू होगा, फिर आगे इसको वहां से ले चलेंगे। अब पी वन में लिखे और ये सारे हेडर्स कॉपी कर दें पी से ऑनवर्ड। सर अब इसमें टारगेट्स ने आप सम एफ्स करें एफसीए के नीचे। और टारगेट की शीट में चले जाएं, एफसीए के कॉलम सेलेक्ट करें, सी कॉलम ये वाला ई सी कॉलम सर ई कॉलम ई सॉरी कॉमा, इसे लॉक नहीं करना आपने, इसको एज इट इज रनिंग। उसके बाद बी कॉलम सेलेक्ट करें और इसे लॉक कर दें। तो
उसके बाद कॉमा दें और ये जो फ्रेंचाइज आईडी लिखी हुई है डेटा मॉडल के अंदर, ये फ्रेंचाइज आईडी पे क्लिक कर दें, यानी कि A3 आ जाएगा यहाँ। इसमें आपका जो कॉलम है ये लॉक होगा, यानी कि आप F4 3 टाइम प्रेस करेंगे तो A के साथ डॉलर साइन आ जाएगा। ये F4 पहले कर्सर को लेके आएंगे A3 के ऊपर, 3 दफा प्रेस करेंगे F4, अब कॉमा के बाद ठीक है सर, ठीक बिल्कुल ठीक हो गया। कॉमा के बाद आप दोबारा आए टारगेट की शीट के अंदर, और टारगेट शीट में अब आपने सेलेक्ट करना है A कॉलम जिसमें मंथ लिखा हुआ है, इसको भी लॉक कर दें। उसके बाद कॉमा दें और कॉमा के बाद A1 में आपका मंथ लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके या A1 लिख के आपने उसको लॉक कर देना है, कंप्लीट लॉक होगा, इसमें रो कॉलम दोनों लॉक हो जाएंगे, एक ही दफा F4 करने से ये हो जाएगा। सही, ठीक हो गया, बस इसे आप करें और ये फार्मूला ड्रैग करना है आपने एन तक और नीचे ड्रैग कर देना है। इसी तरह से अचीवमेंट से आप पी कॉलम में अचीवमेंट की शीट से आप नंबर जो है वो उठा रहे हैं। इसके बाद आप मंथ ले लें उसमें से, और मंथ को वो भी अचीवमेंट की शीट से ही लेना है। बेसिकली ये दो कंडीशंस के ऊपर सम अप हो रहा है, एक मंथ और एक दूसरी फ्रेंचाइज आईडी। इसको लॉक करना है सर? जी जी, इसको भी लॉक करना। कॉमा इसमें ये वाला A1 इसे भी लॉक कर दें। A3 को आपने लॉक नहीं किया, उसका कॉलम लॉक करना था। एक सेकंड सर, ये A3 ये सर ना इसको, हाँ जी, इसका 3 टाइम लॉक करेंगे तो आपका सिर्फ कॉलम लॉक हो जाएगा। नहीं, आपको कंप्लीट अनलॉक कर दिया आपने, दोबारा 3 दफा करें। ज्यादा कर देते हैं ये, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको भी इसी तरह सब के नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। ये
अब आ जाए वर्किंग फाइल के अंदर। इसमें के और एल में आपने ग्रिड और रीजन लिखा हुआ है, वो कॉपी कर लें। ठीक हो, अब जो ऊपर हेडर्स थे वो रहे हैं नीचे। और उनको भी इसके सामने पेस्ट कर दें। जो ऊपर डेटा था ना उसको आपने सम करना है ग्रिड के उसके ऊपर क्राइटेरिया के ऊपर। जब सिंगल क्राइटेरिया लगेगा सम इफ्स करें, सी कॉलम को लॉक नहीं करना आप, सॉरी सी कॉलम की आपने रो लॉक करनी है, यानी कि टू टाइम लॉक करना है, और बी कॉलम को कंप्लीट लॉक करना है। सम इफ्स, सॉरी ये पूरा नहीं होगा, ठीक है सम इफ्स नहीं, पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा ना, ये होगा जी 3 से लेके 131 तक। कंट्रोल जी करें, आपके क्यू 121 में कोई एरर आ गया। अब कर लेता हूं सम इफ्स, सम इफ्स, अब सी 3 से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दिया करें। सर वो बटन खराब है मेरा ये वाला, और इसको लॉक करना है सर जी, इसको लॉक करेंगे टू टाइम, यानी कि रो लॉक हो जाएगी इसकी, एक दफा और करना सिर्फ नंबर के साथ डॉलर साइन होगा। हाँ जी कॉमा करें इसको, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं अब ज्यादा हो गया, सिर्फ नंबर के साथ होना चाहिए, अल्फाबेट के साथ डॉलर साइन। नाउ सही कॉमा, उसके बाद आप बी कॉलम भी इतना ही सिलेक्ट करेंगे, बी 3 से बी 131 तक। इसे कंप्लीट लॉक कर दें एक ही दफा, उसके बाद कॉमा देके यहां से ग्रिड आईडी जो A134 में लिखी हुई है वो सिलेक्ट करें और उसको